एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। त्रिपुरा में इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो परिश्रम हमने किया उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, विशेषकर मेरे नौजवानों को मिल रहा है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता यह है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1000 सेंटर यही त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में हजारों मरीजों की कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक गंभीर बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत त्रिपुरा के हजारों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। साथियों, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है। अब तो गैस ग्रिड भी बना है। त्रिपुरा के घरों में पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। सिर्फ 3 वर्षों में ही त्रिपुरा के 4 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी। आज डबल इंजन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुंचा रही है। और बीते 3 वर्षों से मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। साथियों, ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहने हैं। त्रिपुरा की 1 लाख से अधिक गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर माता के बैंक खाते में पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे जमा किए गए। आज अधिक से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है। त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है वो भी बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है
कि महिलाओं के रोजगार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष पैकेज सरकार ने दिया है। डबल इंजन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। भाई और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं, इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है, जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुए, गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक बंधन केंद्र हैं, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को, व्यापार को जनजातीय समाज के लिए सुलभ बनाया।